जय श्री राम। আমি স্বামী ধর্মাত্মানন্দ শিবির ভারতবর্ষ হিন্দু সন্তানদের উপর যে অত্যাচার কুমনোভাব কথা উচ্চারিত হয়েছে সেই তার জন্য আমি সমস্ত হিন্দু জনসাধারণকে এর প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা আগামী 24 জুলাই শুক্রবার বিকাল 4টায় সাড়ে 3টা থেকে বাগাজুদ্দিন পার্ক মধ্যে শুরু করে ধ্যানাজ মোড় এবং সেবক মোড় ইয়ারভোগ হতে শুরু করে একদম মহকুমার শাসক পর্যন্ত গিয়ে ওখানে গিয়ে আমরা একটা ডেপুটেশন দেব এবং যাতে আমাদের সমস্ত হিন্দু সন্ত এবং মঠ মিশন যাতে সুরক্ষিত রাখে এবং এই প্রতিবাদ মিছিলে যাতে আমাদের সমস্ত হিন্দু সংগঠন হিন্দু সমাজের সাথে একত্রিত হয়ে যেন এই প্রতিবাদ মিছিলটা আমাদের সাকসেসফুল হয় সেই জন্য আমি শিলিগুড়ির হিন্দু জনসাধারণকে আহ্বান জানাই। জয় সিয়ারাম। पश्चिम बंगाल में समय समय पर हमारे हिंदू संत समाज हमारे हिंदू की आस्था का केंद्र मठ मंदिरों में अधर्मी और जातीय शक्ति द्वारा बार बार आघात किया जा रहा है। गत दिनों धूपगुड़ी में दो माँ काली के मंदिर, एक महाकाल शिव जी का मंदिर और एक शनि मंदिर को तोड़ा गया। ऐसी घटना समय समय पर देखने को सुनने को मिलती है, विशेषकर पूरे भारतवर्ष में, विशेषकर केवल और केवल हमारे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की धरती एक पवित्र धरती और एक संस्कृति संस्कृत की कला और सनातन धर्म को मानने वाली धरती रही है। ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में हम हिंदुओं पर इन अधर्मियों द्वारा हमारे आस्था के केंद्रों पर हमारे संत समाज जो हमारे मार्गदर्शन है जो मार्गदर्शन करते हैं समाज को राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है उनके प्रति असम्मानीय वक्तव्य उनके प्रति घृणा लोगों में ऐसी ऊर्जा आती कहां से है। ये दुष्प्रचार ये कुक्रम करने की शक्ति मिलती प्रेरणा मिलती कहां से है इनको। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन को इसको विशेष ध्यान देने की दरकार है। आज पूरा हिंदू समाज 22 जनवरी 2024 के बाद एकजुट हो चुका है और आने वाले समय में हिंदू अपनी रक्षा के लिए सक्षम है। आपके माध्यम से बंगिया सन्यासी समाज आने वाले कल 24 मई को 3:30 बजे सिल्लीगुड़ी के बागा ज्योति पार्क से एक संत स्वाभिमान यात्रा निकाले जा रहे हैं। जो हिंदू समाज संतों में जो रोष जो विरोधाभास इन धर्मियों के प्रति है इसी के अंतर्गत ये संत स्वाभिमान यात्रा 3:30 बजे बागा ज्योति पार्क से प्रारंभ होकर कोटपण वेनस मोड एयरव्यू मोड होते हुए एसडीओ ऑफिस मल्लागुड़ी में समापन होगा और उसके बाद हम एक अपना ज्ञापन एसडीओ को सबमिट करेंगे। आप सभी हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध करते हैं आह्वान करते हैं कि कल जो ये संत स्वाभिमान यात्रा है इसमें भाग लें भारी से भारी संख्या में और एक हिंदू एक छत के नीचे एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा हेतु ये सभी को एक संदेश दिया जाए। जय श्री राम।